कहाँ के रहने वाले? यही मेरा सामने घर है। अरे आपके पड़ोसी को तो नाना पटेकर ने हाँ तो बहुत गलत किया है, उनके इस व्यवहार से हम लोग बहुत नाराज हैं और हम लोग यही चाहेंगे कि वो आके सामने से माफ़ी मांगे, ये वीडियो के थ्रू नहीं। हाँ। या वो क्या बच्चे को थप्पड़ के बदले थप्पड़ लेंगे, उसी तौर पर हम लोग उनको जो है कि माफ़ किया जाएगा। अगर आपके गली में आते हैं, आपके मोहल्ले में आके इससे माफ़ी मांगने के लिए मान लीजिए आते हैं, किस तरह स्वागत करेंगे उनका? स्वागत हो जाएगा, हम लोग बनारस के हैं, स्वागत करने में कोई कमी नहीं करते हैं। मेहमान का बढ़िया स्वागत खातिरदारी, हमारे यहाँ स्वागत बढ़िया होगा। आप लोग चाहते हैं कि नाना पटेकर आपकी गलियों में आए और बच्चे से माफ़ी मांगे, इज्जत जो मान सम्मान उसका। हाँ, जो बच्चे का मान सम्मान बिगाड़े हैं उसको बनाए वो खुद आके। तो मैं सोचा कि पहली बार मैं बॉलीवुड किसी स्टार से मैंने मिला है, तो मैं स्टार से किसी से मैं मिला हूँ तो मैं एक सेल्फी मैं जरूर लूँगा और मैं एक फ़ोटो लेने गया, बट वो फ़ोटो लेने नहीं दिया और मुझे मारा और बाउंसर ने मुझे ढकेल के भगा दिया कि तुम फोटो खींच रहे हो यहाँ से। फिर मैंने मेरे को ढकेल दिया, गला पकड़ के नचा के। फिर दूसरा भी बाउंसर आया, वो भी ढकेल के भगा दिया। गलियों के शहर काशी बॉलीवुड के लिए लगातार पसंदीदा बना हुआ है। अब तक काशी में कई फिल्मों की शूटिंग हुई है और बड़े बड़े अभिनेता जो हैं काशी की गलियों में घूम के शूटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर बनारस में इन दिनों फिल्म की शूटिंग चल रही है और दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर लगातार वाराणसी में इन दिनों शूटिंग कर रहे हैं। इधर बीच उनका एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने ही एक फैंस को जब वो सेल्फी लेने की कोशिश करता है तो उसको मारते हुए नजर आ रहे। वो लड़का हमारे साथ है जो काशी की गलियों में ही रहता है, आप हमारे पीछे गली देख सकते हैं, काशी की गलियों में रहने वाला लड़का है जो शूटिंग देखने के लिए पहुँचा था और उसके साथ क्या कुछ घटनाक्रम हुआ, मुझसे बात है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राज सोनकर है। राज, क्या था पूरा वाकया? आप गए थे शूटिंग देख हो रही थी वहाँ पे घाट के पास, कौन सी जगह थी, क्या था पूरा घटना बताओ। मैं गंगा जी गया था स्नान करने, तो मुझे पता वगैरह ये नहीं था कि यहाँ पे शूटिंग हो रहा है। तो मैं देखा तो वहाँ पे शूटिंग हो रहा था, तो वहाँ पे नाना पाटेकर आए थे, तो मैं पूछा एक बाउंसर से कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कि क्या चल रहा है। तो उन्होंने बोला कि सुपरस्टार बॉलीवुड नाना पाटेकर जी आए हैं, यहाँ पे इनका शूटिंग चल रहा है। तो मैं कुछ देर तक वेट किया, आधी घंटा मतलब 30 मिनट तक मैंने वेट किया वहाँ पे। तो वहाँ वेट किया तो फिर वो आए, फिर अपना शूटिंग वगैरह चलने लगा। बाउंसर उन्सर थे तो वो फ़ोन वगैरह हम लोग को चलाने नहीं देते थे, कॉल वॉल भी नहीं, वीडियो वगैरह कुछ बनाना नहीं था तो वहाँ पे। तो मैं सोचा कि पहली बार मैं बॉलीवुड किसी स्टार से मैंने मिला है, तो मैं स्टार से किसी से मैं मिला हूँ तो मैं एक सेल्फी मैं जरूर लूँगा। और बचपन से आज तक मैं उनका मेरे पिताजी हैं जो कि इनके बहुत बड़े फ़ैन हैं। जब भी कोई भी मूवी आती थी तो वो देखते थे और मैं भी देखता था बचपन से, और मैं देखते देखते आता गया तो मैं भी उनका भी फ़ैन हो गया। और उसके बाद वो आए तो बॉडीगार्ड वगैरह इधर उधर थोड़ा से हो गए, तो मैं देखा कि अब मैं जाऊँगा। फिर मैंने बीच में से घुस के गया और मैं क्लिक फ़ोटो लेने गया, बट वो फ़ोटो लेने नहीं दिया और मुझे मारा और बाउंसर ने मुझे ढकेल के भगा दिया। जो वीडियो दिखा उसमें पहले नाना पाटेकर तुम्हें मारते हैं, हाथ थप्पड़ मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद उनके साथ का एक आदमी खड़ा था जो तुम्हारी गर्दन को दबोचा। हाँ, उन्होंने कहा कि तुम फोटो खींच रहे हो यहाँ से। फिर मैंने मेरे को ढकेल दिया, गला पकड़ के नचा के। फिर दूसरा भी बाउंसर आया, वो भी ढकेल के भगा दिया। फिर मैंने गया स्नान किया, फिर भैया बोलने थे तुम क्यों ऐसा करने गए, तुम्हारी इतनी इंसल्ट हुई। फिर मैंने गंगा जल लेके मैं फिर आया, फिर तो फिर भी देखा मैं उनका वीडियो। हाँ, तो मैं ये सोचा, मैं मुझे पता नहीं था कि मेरा वीडियो वायरल होने वाला है। तो फिर मैं मेरे पास एक वीडियो था, तो मैंने एक चैनल मेरा यूट्यूब है राज सोन का 65 के नाम से मेरा भी चैनल है, उस पर मैं डाला तो मेरा वायरल वगैरह कुछ हुआ नहीं, मेरा ऐसे वायरल हुआ नहीं। तो कल भैया एक मुझे बताएं कि तुम्हारा वीडियो एक वायरल हो रहा है, तो वो वीडियो फिर वायरल हुआ है। तो कल बताया तो फिर साफ तक मैं देखा कि बहुत ज़्यादा अधिक वायरल होने लगा, तो फिर वही अधिक वायरल हुआ। तो मैंने देखा जिस तरीके से तुम्हें नाना पाटेकर ने सेल्फी लेने की कोशिश के दौरान तुम्हें थप्पड़ मारा, उसके बाद बनारस में लोग लगातार नाना पाटेकर का विरोध कर रहे हैं। BHU के भी प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी वीडियो अपना जारी किया और नाना पाटेकर को कड़े शब्दों में उनकी निंदा की, जिस तरीके से तुम्हारे साथ उन्होंने हरकत की। क्या कहोगे जिस तरीके से शहर वाले तुम्हारे वीडियो को लेकर के रिएक्शन दे रहे हैं?
उन्होंने मेरे साथ जो किया बहुत गलत किया, मैं यही चाहता हूँ कि और दूसरे बंदे के साथ ऐसा ना करें। देखिए तुम्हें पता है जब वो वीडियो वायरल हुआ तो उनकी टीम की तरफ से ये कहा गया, कई लोगों से ये बोला गया कि वो जो थप्पड़ मारा था वो नाना पाटेकर ने थप्पड़ नहीं मारा था, वो फिल्म की शूटिंग का हिस्सा था। अगर शूटिंग का हिस्सा होता तो यानी उस मूवी में तुम काम कर रहे हो? नहीं नहीं, मूवी में काम नहीं कर रहे हैं उससे। तुम एक नॉर्मल फैंस हो, बस उनको मिलने गए, देखने गए? मिलने भी नहीं गया था, मुझे पता भी नहीं था, मैं अचानक से लेने की कोशिश की थी। हाँ, सेल्फी लेने की मैं कोशिश किया था उनसे। तो अब नाना पाटेकर ने जब देखा कि उन्होंने कि बनारस में लगातार हर तबके के लोग नाना पाटेकर का विरोध कर रहे हैं उनके इस हरकत पे, तो उन्होंने कल शाम को एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने माफ़ी मांगी है और हाथ जोड़ते हुए उन्होंने कहा है कि अब वो ऐसा जो है किसी के साथ अपने फैंस के साथ नहीं करेंगे। तो अब क्या कहोगे नाना पाटेकर को? नाना पाटेकर से यही कहेंगे कि काशी में किसी भी बंदे के साथ ऐसा दोबारा ना करें, ये बहुत ही गलत बात है, जो जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। और तुम अब वो वीडियो जारी करके माफ़ी मांग रहे हो, तो तुम क्या जो तुम्हारे साथ उस समय थप्पड़ उन्होंने मारा, जितने लोगों ने तुम्हें देखा, तो क्या अगर माफ़ करोगे उनको? मैं तो माफ़ कर दूंगा, वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बॉलीवुड के। मिलने बुलाएंगे अगर अभी तो? मिलूंगा जरूर उनसे। अब बढ़िया वाली फ़ोटो लोगे? हाँ, उनसे मिलूंगा जरूर, मुझे मारे हैं वो, उनसे मैं मिलूंगा। तो तुम्हारा जो सम्मान है वो बढ़िया वाली तस्वीर के साथ वापस आएगा? हाँ, उनसे मैं मिलना चाहता हूँ, उनसे जरूर मिलवाइएगा मुझे। क्या काम होता है तुम्हारे घर पे? हम अभी घर के तुम्हारे बाहर खड़े हैं, ठेला खड़ा है, क्या काम होता है तुम्हारे घर? हमारे पापा बचपन से ही सब्जी बेचते थे, हमारी दादी, मेरे पापा कम उम्र में ही, मेरी दादी जो थी उनका डेट हो गया था, तो मेरे पापा सब्जी वगैरह बेचते थे। और तुम क्या करते हो? मैं एक स्टूडेंट हूँ बंगाली टोला का, एक क्लास 11 का छात्र हूँ, 8 से लेकर पढ़ता हूँ। फिल्मों में और पिक्चरों में कितना तुमको इंटरेस्ट है? अब स्टंट मेरा ये सब खत्म हो गया है, जब से मारा है तब से ये खत्म। अब फिल्म नहीं देखोगे? अब नाना पाटेकर का नहीं देखूंगा और सब देखूंगा। अच्छा, नाना पाटेकर की अभी शूटिंग तो कई दिन बनारस में होने वाली है, अभी लगातार शूटिंग उनकी चल रही है, तो अगर मिलने बुलाएं या मिलने आते हैं तुमसे तो क्या सब फिर मैनेज कर लोगे? सब हाँ, खत्म हो जाएगा जब मिलेंगे, तभी उसके बाद मैं देखूंगा। अच्छी तस्वीर चाहिए अब तुम? हाँ, चाहिए जरूर। ये हमारे साथ राज साहब, जो नाना पाटेकर के साथ सेल्फी लेने की इच्छा रखा और नाना पाटेकर ने जिस तरीके से इसके ऊपर थप्पड़ जड़ दिया, उसके बाद इसकी जो वीडियो था लगातार वायरल हो रहा था, और अब इस लड़के की तमन्ना यही है कि अगर नाना पाटेकर इससे बात करते हैं या उनकी टीम इससे संपर्क करती है तो एक बढ़िया फ़ोटो ये उनके साथ खिंचाएगा और वो जो मतभेद है, जो इसकी इंसल्ट हुई, इसका ये कहना कि जो इसकी इंसल्ट हुई उस तमाम चीज़ों को भूल जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये गली है, बनारस का महमूदगंज इलाका का माना जाता है, ये तुलसीपुर की गली है और काशी शुरू से ही गलियों का शहर है। काशी की परंपरा, काशी की संस्कृति ऐसी होती है कि कई फिल्म अब तक काशी में शूट की जा चुकी है, सनी देओल की फिल्म घातक से लेके मोहल्ला से तमाम बड़ी फिल्मों की शूटिंग जो है बनारस में देखने को मिली है, काशी के लोगों को भी उसमें फिल्मों में साथ में लिया गया है। फिलहाल इस समय नाना पाटेकर अपनी फिल्म जर्नी की शूटिंग वाराणसी में कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि नाना पाटेकर ने वीडियो जारी करके अपनी कृत्य पे माफ़ी तो मांग ली है, लेकिन जिस तरीके से अभी लड़के का कहना है, जो राज है जिसके ऊपर इन्होंने हरकत किया था, थप्पड़ चलाया था, अब क्या कुछ आगे होता है, क्या नाना पाटेकर इससे मुलाकात करते हैं या उससे जो वीडियो जारी करके माफी मांगे, तो बात वहीं तक सीमित रह जाती है। वाराणसी से सौरभ श्रीवास्तव।